नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद खतरनाक साबित होती जा रही है। रोज लाखों की संख्या में लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। इस दौरान बिहार और गुजरात में भी हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पटना हाई कोर्ट ने बिहार राज्य सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि अगर आपसे स्थिति नहीं संभल रही है तो क्या कोविड का प्रबंधन सेना को सौंप देना चाहिए। अदालत ने कहा कि बार बार आदेश देने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा। कोर्ट ने यहां तक कह डाला कि शर्म की बात है कि हमारे बार बार आदेश देने के बाद भी लोग मर रहे हैं। वहीं बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का ऐलान किया है। बिहार में जारी कोरोना संकट के बीच 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो गुजरात में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। गुजरात हाई कोर्ट ने कोरोना वैक्सीनेशन की उपलब्धता और कोरोना टेस्टिंग के मुद्दे पर सुनवाई की। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार के महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी से सवाल किया, क्या राज्य सरकार के पास पर्याप्त वैक्सीन है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने पूछा कि अगले 2 से 3 महीने के लिए राज्य सरकार के पास वैक्सीनेशन को लेकर क्या योजना है। इसके अलावा सरकार से सवाल किया कि कोरोना के टेस्ट कम क्यों हो रहे हैं। न्यायाधीश ने कहा कि राज्य में जब RT-PCR टेस्टिंग मशीन बढ़ाई गई है तो फिर टेस्टिंग क्यों कम हो रही है। बीते 23 अप्रैल को जो टेस्टिंग की संख्या 1,89,902 थी, वो 2 मई को घटकर 1,37,000 रह गई। क्यों? इस तरह से गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार को सवालों के घेरे में रखा। अब अगली सुनवाई में राज्य सरकार को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में हाई कोर्ट को जवाब देना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।